स्टूडेंट्स आज जो हमारी वीडियो टॉपिक है वो है कीमोऑस्मोसिस एंड ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पहले एक वीडियो डाली थी जिस पर हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पर देखा था कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो रिड्यूस को एंजाइम ग्लाइकोलाइसिस और क्रिप्स साइकिल में बनते हैं वो किस तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाते हैं और हमें एटीपी प्रोडक्शन करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कीमोऑस्मोसिस जो हमारा सेकेंड लास्ट या लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, और सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। वो सारे टॉपिक्स आप हमारे होम पेज पर विजिट करके यूट्यूब के वहां से देख सकते हैं, या ऊपर आपको आई बटन राइट कॉर्नर पर मिलेगा, वहां पर भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो कीमोऑस्मोसिस को समझने से पहले आपको पहले इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को समझना होगा, क्योंकि आज हम जो कीमोऑस्मोसिस देख रहे हैं वो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के साथ देख रहे हैं। याद रखने वाली बात यह है कि कीमोऑस्मोसिस दो तरह से, पीटर मिशेल जो एक साइंटिस्ट था उसने एक थ्योरी पेश की थी जिसको हम कीमोऑस्मोसिस कहते हैं, वो दो तरीके से उसने पेश की थी, एक प्लांट्स में और दूसरा एनिमल्स में। जैसा कि आपको पता है कि प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है जबकि एनिमल्स में वो नहीं होता। तो क्लोरोप्लास्ट जो पाया जाता है उसमें जो लाइट रिएक्शन होता है उसमें जो रिड्यूस को एंजाइम्स बनते हैं उनमें जो कीमोऑस्मोसिस होता है उसमें हम कहते हैं कीमोऑस्मोसिस एंड फोटोफास्फोराइलेशन, उसको हम फोटोफास्फोराइलेशन कहते हैं। जबकि यहाँ जो एनिमल्स में पाया जाता है कीमोऑस्मोसिस या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का जो फिनोमेना पाया जाता है उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। जो मैंने आपको बताया कि ऑक्सीडेटिव इसको इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये काम हो रहा है, फास्फोराइलेशन हो रही है, यानी एटीपी बन रही है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, इसी वजह से हमने इसको कहा था ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। तो आज इस वीडियो में हम कीमोऑस्मोसिस ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन यानी एनिमल्स में देखेंगे, जबकि अगली वीडियो में हम कीमोऑस्मोसिस देखेंगे फोटोफास्फोराइलेशन में यानी प्लांट्स में देखेंगे। तो आज वीडियो में आपने कीमोऑस्मोसिस और ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन देखना है। वीडियो को आखिर तक देखना है, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि ऐसी लेटेस्ट न्यू वीडियोस आपको मिलती रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका कीमोऑस्मोसिस का मीनिंग देख लेते हैं। कीमो कहते हैं आयंस को, यहाँ पर हम लिख लेते हैं कीमो कहते हैं आयंस को, जबकि ऑस्मोसिस कहते हैं डिफ्यूजन को या मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन, यानी कोई भी सब्सटेंस जिसका अक्रॉस द मेम्ब्रेन मूवमेंट करता है उसको हम कहते हैं डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस कहते हैं, और जब ये सिलेक्ट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से हो तो उसको हम लफ्ज यूज करते हैं ऑस्मोसिस का। तो ये जो पीटर मिशेल था साइंटिस्ट, उसने एक थ्योरी पेश की थी जिसमें उसने कहा था कि जिस वक्त प्रोटॉन जो रिड्यूस को एंजाइम जिस वक्त ऑक्सीडाइज होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, साथ में प्रोटॉन को लूज करते हैं, वो जिस वक्त अक्रॉस द मेम्ब्रेन मूवमेंट करते हैं तो वो प्रोटॉन ग्रेडियंट को डेवलप करते हैं। प्रोटॉन ग्रेडियंट क्या है वो भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो जिस वक्त एक डिफरेंस पैदा होता है प्रोटॉन्स का अक्रॉस द मेम्ब्रेन, तो उसकी मूवमेंट्स और जिस वक्त वो डिफरेंस को इक्वलाइज करने के लिए वो प्रोटॉन्स मूवमेंट करते हैं एक तरफ से मेम्ब्रेन की दूसरी तरफ, तो वो एनर्जी को रिलीज करते हैं। वो एनर्जी एटीपी सिंथेटेस जो एक एंजाइम है वो यूज करते हुए एडीपी को इनऑर्गेनिक फास्फेट के साथ मिलाकर एटीपी बनाता है। तो ये उसने थ्योरी पेश की थी जिसको हमने कीमो ऑस्मोसिस का नाम दिया था। उसके बाद हम बात करते हैं इस डायग्राम पर। सबसे पहले ये डायग्राम मैंने पहले से आपके लिए बनाई हुई है ताकि हमारा टाइम कम से कम लगे। तो इस डायग्राम में अगर हम गौर करें तो ये हमारे पास में डायग्राम में शो किया है, ये जो स्पेस है ये हमारे पास इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है वो दो मेम्ब्रेन्स पर मुश्तमिल होता है, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इनर मेम्ब्रेन होती है। जो इसकी इनर मेम्ब्रेन होती है वो फोल्डेड होती है और वो अंदर की तरफ क्रिस्टे का स्ट्रक्चर बनाती है, और उसके अंदर F0 पार्टिकल्स पाए जाते हैं जो यहाँ पर मैंने शो किए हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, यानी आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन स्पेस, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस है उसको हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। ये हमारे पास इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है ये जो शो की हुई है आपके सामने, और ये जो आप देख रहे हैं पूरा स्ट्रक्चर ये हमारे पास है F0F1 पार्टिकल। अब ये क्या है F0F1 पार्टिकल, वो ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि एडीबी को इनऑर्गेनिक फास्फेट के साथ मिलाकर एटीपी बनाता है। इसको हम एटीपी सिंथेटेस भी कहते हैं या ऑक्सीसोम भी कहते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें ये दो पार्ट पर मुश्तमिल होता है, यहाँ पर मैंने शो किया है कि ऊपर जो टेल लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम F0 चैनल कहते हैं, जबकि जो आगे हेड लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम F1 पार्टिकल कहते हैं। F0 जो चैनल है ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में एम्बेडेड हुआ होता है, जबकि जो F1 पार्टिकल है ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ मैट्रिक्स के अंदर खुला हुआ था है। ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है ये जो आप देख रही हैं ये वाली स्पेस,
तो इस तरह सा कुछ स्ट्रक्चर होता है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स का, और इसमें ये चैनल्स लगे होते हैं, मैंने आपको उस वक्त भी बताया था वीडियो में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, कि इसमें तीन चार तरह के चैनल्स होते हैं। अगर हम NADPH को लेके चले तो फिर तीन तरह के चैनल होते हैं, उस कॉम्प्लेक्सेस को हमने नाम दिए थे, तीन थे, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3। और इसमें जो मैं आपको मखसूस नाम बताए थे वो थे NADH डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स, जो पहला कॉम्प्लेक्स है, दूसरा साइटोक्रोम रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स, तीसरा साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। तो इस तरह से कुछ यहाँ पर अरेंजमेंट हुई होती है। तो आपको पता है कि जिस वक्त रिड्यूस को एंजाइम जो ग्लाइकोलाइसिस या क्रेब्स साइकिल में बनते हैं, वो मैट्रिक्स में से जिस वक्त ऑक्सीडाइज होते हैं और प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, यानी क्योंकि आपको पता है कि ऑक्सीडेशन का मतलब ही है कि रूस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या लूज ऑफ हम कह सकते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या प्रोटॉन हम कह सकते हैं। तो जिस वक्त ये यहां से ऑक्सीडाइज होता है तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं वो अंदर कॉम्प्लेक्स के अंदर चले जाते हैं। जिस वक्त कॉम्प्लेक्स के अंदर जाते हैं तो यहां पर इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं जिनके साथ वो रिएक्शन करते हैं, और वहां पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन के प्रोसेसेस होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ से आगे दूसरे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स की तरफ चले जाते हैं, जबकि जो प्रोटॉन्स होते हैं वो यहाँ से इस चैनल से बाहर चले जाते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जिस वक्त ये यहाँ से मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में जाते हैं तो इनके दरमियान एक प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है। प्रोटॉन ग्रेडियंट क्या है कि एक डिफरेंस ऑफ आयंस डेवलप हो जाती है। यहाँ पर क्योंकि अब कम हो गए हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स और वहाँ पर चले गए हैं, तो लिहाजा यहाँ पर उनकी अमाउंट ज़्यादा हो गई है, तो एक डिफरेंस पैदा हो गया है। अब इस डिफरेंस को इक्वल करने के लिए ये जो प्रोटॉन्स होते हैं इन F0, F1 पार्टिकल्स के थ्रू दोबारा से मैट्रिक्स में आते हैं ताकि इस डिफरेंस को इक्वल कर सकें। जब ये इस डिफरेंस को इक्वल करने के लिए वहां से इस तरफ आते हैं, यानी इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आते हैं थ्रू इस ऑक्सीसोम या F0F1 पार्टिकल से, तो यहां पर ये आके एनर्जी को रिलीज करते हैं। जब ये एनर्जी को रिलीज करते हैं तो यहां पर जो F1 पार्टिकल होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। जिस वक्त वो एक्टिवेट होता है तो वह ADB को इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ इस एनर्जी को यूज करते हुए अटैच करता है और हमारे पास ATP बना देता है। तो इस तरह से ATP की प्रोडक्शन होती है, क्योंकि ये क्रॉस दी मेम्ब्रेन आ रहे हैं, इस वजह से इस फिनोमेना को हम कहते हैं कीमोऑस्मोसिस। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं है, आपको यहीं पर वीडियो को पॉज करें, रिवाइंड करके सारा फिनोमेना दोबारा से देख लें ताकि आपको अच्छी तरीके से आ जाए। तो यहां पर ये जो क्योंकि अक्रॉस द मेम्ब्रेन प्रोटॉन्स आ रहे हैं तो ये एनर्जी को रिलीज करते हैं और यहाँ पर ये ATP की प्रोडक्शन हो जाती है। तो इस तरह से रिड्यूस को एंजाइम जो ग्लाइकोलाइसिस या क्रेब्स साइकिल में बनते हैं उनसे हम ATP हासिल करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो NADH2 है वो हमें एक उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जिस वक्त वो रिड्यूस होता है या ऑक्सीडाइज होता है आगे जाकर, तो वो तीन ATP हमारे लिए बनाता है, जबकि FADH2 हमारे लिए दो ATP बनाता है। ये क्यों दो और तीन बनाते हैं इसका मैंने आपको एग्जांपल इसकी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन भी दी थी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, क्योंकि हर एक जो सब्सटेंस है वो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के साथ जिस वक्त मिलता है उनका एक अपना रिडॉक्स पोटेंशियल होता है। जिस वक्त उनका रिडॉक्स पोटेंशियल इन इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के साथ मैच करता है तो वहीं पर वो अटैचमेंट करते हैं और रिएक्शन को कैरी आउट करते हैं। क्योंकि NADH2 का रिडॉक्स पोटेंशियल ज्यादा है तो लिहाजा उसके अंदर जो हाइड्रोजन पाए जाते हैं या प्रोटॉन्स पाए जाते हैं उनकी एनर्जी ज्यादा होती है, तो लिहाजा वो तीन जगहों पर हमारे लिए एनर्जी को रिलीज करते हैं और वो एनर्जी यूज करके हम ATPs बनाते हैं। जबकि FADH2 जो है वो उनका रिडॉक्स पोटेंशियल भी कम है और उनके जो अंदर जो प्रोटॉन्स पाए जाते हैं उनमें इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं होती, तो लिहाजा वो दो जगहों पर इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के साथ रिएक्शन करते हैं और एनर्जी को रिलीज करते हैं, और वो एनर्जी यूज़ करते हुए ATP सिंथेसिस हमारे लिए ATP को बनाता है। तो ये होल प्रोसेस था कि किस तरह से हमारे पास कीमो ऑस्मोसिस हो रही है। फाइनल रिएक्शन जो टर्मिनल रिएक्शन होता है या एंड रिएक्शन होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, वो भी यहाँ पर मैंने शो किया है कि टू हाइड्रोजन जो यहाँ से यहाँ पर आ रहे हैं वो हाइड्रोजन प्लस हाफ ऑफ आइटम्स ऑफ ऑक्सीजन मिलता है और प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स जो इलेक्ट्रॉन कैरियर से होते हुए आते हैं, ये आपस में जिस वक्त मिलते हैं तो हमारे पास आखिरी जो टर्मिनल प्रोसेस में जो एंड रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है वो वाटर होता है। तो इस तरह से पूरा होल प्रोसेस होता है कीमो ऑस्मोसिस का। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम देखेंगे कीमो ऑस्मोसिस फोटो फॉस्फोराइलेशन में किस तरह से होती है, यानी प्लांट्स में किस तरह से कीमो ऑस्मोसिस होती है, ये फिनोमेना होता है। उम्मीद है मुझे कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, इससे हमें हमारी अप्रिशिएशन होगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी ही ज़बरदस्त वीडियोस आपके लिए हम लेके आते रहें। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह नेगेबान।